हेलो एवरी वन वेलकम टू एग्जाम टाइम तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारी रिविज़न सीरीज स्टार्ट हो चुकी हैं और आज उसी रिविज़न सीरीज के दौर में हम देखेंगे मैथमेटिक्स के कुछ और कम टाइम है हमारे पास रिविज़न में भी इस वजह से कुछ हम सेलेक्टेड टॉपिक्स को लेकर के आएंगे और सिलेक्टेड टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि आज की हमारी टॉपिक शुरू होगी प्रॉफिट और लॉस पे जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी कि प्रॉफिट और लॉस आज की टॉपिक है हमारी जो प्रॉफिट और लॉस है उसको हम तीन पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं पहला हमारा कॉस्ट प्राइस है सेलिंग प्राइस है मार्केट प्राइस है देखेंगे कॉस्ट प्राइस को हम आप दो तरह से देखते हैं परचेस प्राइस प्राइस और दूसरा हम देखेंगे कॉस्ट प्राइस मतलब जो कॉस्ट प्राइस ऊपर दिया हुआ उसी को बता रहे हैं हम क्या है परचेस प्राइस में डिफरेंस और कॉस्ट प्राइस क्या होती है बताते हैं और देखिए हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हम कॉस्ट प्राइस को डिनोट करेंगे किससे सीपी से, से डायरेक्ट वे में हम सीपी लिखेंगे इसको ठीक है और इसको हिंदी टर्म में अगर देखना चाहें तो कॉस्ट को हम बोलते हैं क्रय मूल्य हिंदी में क्रय मूल्य बोलते हैं और देखिए परचेज प्राइस यानी परचेज प्राइस ये इक्वल भी हो सकता है कॉस्ट प्राइस के और ये ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन भी हो सकता है परचेज प्राइस से कैसे ये देखना होगा जैसे एक एग्जाम्पल एक एक के थ्रू हम देखें तो जैसे अगर कोई आर्टिकल हमने खरीदी उस आर्टिकल को हमने परचेस किया साठ रुपये में अगर उस आर्टिकल को हमने परचेस किया साठ रुपये में तब उसको सोल्ड भी हमने साठ रुपए में ही कर दिया उसको बेच भी दिया हमने साठ रुपए में तो ये हमारी यहाँ पे देखने को मिल रही है कि हमारी परचेस प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों इक्वल हैं ठीक है और अगर उस साठ रुपये की वस्तु जो हमारी है उसको अगर सोल्ड करने में हमको कुछ लागत लगानी पड़ी यानी बेचने तक में हमको कुछ और लागत लगानी पड़ी जैसे आ, कह सकते हैं कि कोई सामान उसको बेचने के लिए अगर मार्केट में ले जाना होगा तो उसके ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च और भी जो खर्च आते हैं वो मान लीजिए दस रुपये पड़ी तो ये हमारा पूरा टोटल मिलके मिलकर सत्तर है जिसमें ये साठ रुपये तो हमारी परचेस यानी परचेज प्राइस है यानी उस थिंग्स को उस गुड्स को हमने साठ में खरीदा हुआ था लेकिन उस पर दस रुपये की जो लागत आई वो हमारी कॉस्ट प्राइस कहलाती है ये कॉस्ट प्राइस हो गई और ये साठ रुपये जो हमारी है ये परचेज प्राइस हो गए तो इस वजह से हमने यहाँ आपको बोला था कि कॉस्ट प्राइस आ, ये ज़्यादा भी हो सकता है और आ, इक्वल भी हो सकता है किसके परचेज प्राइस के तो अब ये देखिए कॉस्ट प्राइस हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा और फिर अगले टॉपिक पे देखते हैं सेलिंग प्राइस किसे कहते हैं सेलिंग प्राइस वो प्राइस है जैसे कि हमने जो भी गुड्स लिया उसको किस प्राइस पे हम बेचते हैं किस प्राइस पे सेल करते हैं उसको वो हमारी सेलिंग प्राइस होती है और इसको हम डिनोट करेंगे शॉर्ट फॉर्म में एस पी के ठीक है और मार्केट प्राइस मार्केट प्राइस को भी हम डिनोट करेंगे क्वेश्चन में एम पी के फॉर्म में यानी मार्केट प्राइस एम पी में करेंगे और इसको भी हम दो पार्ट में देखते हैं जैसे एक मार्क प्राइस मार्क प्राइस मार्क प्राइस हो गया और दूसरा दूसरा हो गया कि ये हो गया लि लिस्ट प्राइस लिस्ट प्राइस ये मार्क प्राइस यानी इसको हिंदी में बोलेंगे अंकित मूल्य और इस लिस्ट प्राइस को हिंदी में हम बोलेंगे सूची मूल्य मार्क प्राइस किस प्राइस को कहते हैं जैसे ही अगर किसी आर्टिकल पर जो प्रिंटेड प्राइस होती है उसको हम बोलते हैं मार्क प्राइस एक और लिस्ट प्राइस का मतलब अगर आ, लिस्ट प्राइस का मतलब जैसे कि अगर कोई आर्टिकल सौ रुपए की है और उसको किसी बिग बिलियन जैसे हमारे बिग बिलियन का सेल आता है उसमें हम उसको एट्टी रुपीज़ पे अगर सेल कर दें तो वो हमारी लिस्ट प्राइस होती है तो इस तरह से मार्केट प्राइस और लिस्ट प्राइस में डिफरेंस देख लिए हम अब चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे अगले स्लाइड पे देखते हैं प्रॉफिट किसे कहते हैं लॉस किसे कहेंगे कॉस्ट प्राइस क्या है सेलिंग प्राइस क्या है जिस जैसा कि हम पिछले वाले साइड पे हमने बताया ही था कि कॉस्ट प्राइस क्या है सेलिंग प्राइस अब देखते हैं प्रॉफिट किसे कहेंगे एक ऐसा अमाउंट मतलब अगर कोई चीज़ बेची गई है उसको उस खरीदे हुए मूल्य से ज़्यादा यानी उसके ज़्यादा दाम पर बेची गई तो हमारी प्रॉफिट होती है जैसे कि अगर कोई आर्टिकल हमने ली अस्सी रुपये की उस आर्टिकल को हमने नब्बे रुपये में करके बेच दिया तो इस पर हमारी प्राइस हो जाएगी कितनी दस रुपए की जो प्रॉफिट हो रही है अस्सी रुपए का हमने खरीदा और ये दस रुपए की जो हमारी प्रॉफिट दिख रही है दस रुपए जो हमने लिया ये हमारी हो जाएगी प्रॉफिट यानी यानी यहाँ जो लिखा हुआ है द अमाउंट गेन बाय सेलिंग अ प्रोडक्ट विथ मोर देन कॉस्ट प्राइस यानी कि उसके कॉस्ट प्राइस से ज्यादा पर हम उस प्रोडक्ट को बेच दें और उस ज़्यादा जो हमारे जो ज़्यादा उस पर ज़्यादा जो गेन हुई वो अमाउंट उस अमाउंट को हम बोलते हैं प्रॉफिट अब देखते हैं लॉस किसे कहेंगे लॉस का मतलब घाटा लग जाना सिंपल सा और घाटा लगने का मतलब यह है कि जितने में हमने प्रोडक्ट को खरीदा था जितने हम उस गुड्स को खरीदे थे उस गुड्स की प्राइस से भी कम दाम पर हम किसी वस्तु को बेच दें तो उसमें हमको क्या होता है घाटा हो जाता है जैसे कि अब हमने कोई आर्टिकल अगर खरीद ली जैसे इसी एग्जाम्पल के थ्रू देखा जाए अगर ये आर्टिकल अस्सी रुपए की हमने खरीदी थी और हम इसको अगर सत्तर रुपए पर बेच दें सत्तर रुपये पर अगर इसको बेच दे रहे हैं तो इस पर हमारी दस रुपए का जो लॉस हो रहा है वो हमारा लॉस कहलाएगा जो दस रुपये का घाटा हुआ उसको हम लॉस बोलते हैं इसमें देखते हैं कि द अमाउंट द अमाउंट द सेलर इनकर्स आफ्टर सेलिंग द प्रोडक्ट लेस देन इट्स कॉस्ट प्राइस इट इज एज लॉस उसी को हमने बताया जो यहां पे लिखा हुआ है अब हम देखेंगे कॉस्ट प्राइस के बारे में डिस्कस करेंगे कि कॉस्ट प्राइस किसे कहेंगे अब कॉस्ट प्राइस हमने पिछले स्लाइड में भी बताया था कॉस्ट प्राइस एक ऐसा प्राइस है एक ऐसा <coughs> बोल सकते हैं हिंदी में मूल्य है जो जब भी किसी प्रोडक्ट को किसी गुड्स को हम खरीदते हैं जिस भी अमाउंट पर उस अमाउंट को हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस इसको अब इसको हम डिनोट भी करेंगे किससे सीपी में जैसा हमने उस भी स्लाइड पे बताया था आपको और इसके द कॉस्ट प्राइस इज फर्दर क्लासिफाइड इन टू डिफरेंट कैटेगरीज जो कि <coughs> इतना डिटेल हम आपको नहीं बताने वाले क्योंकि ये रिविजन सीरीज चल रहा है तो इंपॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर हम देखेंगे कि क्या है और उसी आ, के आ, उसी के सापेक्ष में हम क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे तो अगले पे देखते हैं सेलिंग प्राइस किसे कहेंगे सेलिंग प्राइस ऐसा प्राइस है अब जब किसी भी वस्तु को आपने ख़रीद लिया अगर उस खरीदे हुए वस्तु को बेचना है तो आपको बेचना है तो आप जिस प्राइस पर उस वस्तु को बेचेंगे वो उस प्राइस को हम बोलेंगे जिस प्राइस पे आप उस वस्तु को बेच रहे हैं उस प्राइस को हम बोलेंगे सेलिंग प्राइस तो यहाँ पर भी वही बात लिखी हुई है द अमाउंट फॉर विच द प्रोडक्ट इज सोल्ड इज़ कॉल्ड सेलिंग प्राइस ठीक इट इज़ यूजली डिनोटेड एज एस पी जो कि हमने बताया ही है कि सेलिंग प्राइस को हम शॉर्ट uh, फॉर्म में एसपी लेकर ही चलेंगे आगे क्वेश्चंस में भी तो अब इतनी बात समझ में आ गई होगी फिर हम कुछ इसके रिलेटेड फार्मूलाज वगैरह देख लेते हैं कि इसके रिलेटेड क्या फार्मूलाज होते हैं और कौन कौन सी फार्मूलाज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगी हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उन पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसके बाद उसी के फार्मूलेज़ के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे तो अगले स्लाइड पे देखें हम कुछ हमारे इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज़ हैं जैसे प्रॉफिट प्रॉफिट को निकालना है अगर प्रॉफिट uh, को निकालना है तो प्रॉफिट को हम कैसे निकालेंगे उसके लिए हमने फार्मूला uh, लगाया कि जो सेलिंग सेलिंग प्राइस ऐसे आमतौर पर अगर देखा जाए प्रॉफिट कैसे निकालते हैं अगर अगर हम कोई चीज़ बेच रहे हैं उस बेच uh, जो चीज़ बेचा हमने अगर हमको पता करना है कि हम घाटे में हैं या मुनाफे में हैं तो कैसे हम पता करेंगे यानी अगर हमारी खरीदी हुई वस्तु वस्तु से उस उससे ज़्यादा दाम पर उससे ज़्यादा मूल्य पर हम उस वस्तु को बेच दे रहे हैं तो यानी वहाँ पर हमारी प्रॉफिट हो जा रही है तो हम प्रॉफिट को कैसे निकालें वहाँ पे सिंपल से देखिए कि हमने सेलिंग प्राइस जो हमने सेलिंग प्राइस जो वस्तु बेची उस वस्तु के बेचने के दाम से हम किसको माइनस कर रहे हैं कॉस्ट प्राइस को माइनस कर रहे हैं यानी कि सेलिंग प्राइस वो प्राइस कि जिस वस्तु पर हम जिस जिस मूल्य पर हम उस वस्तु को बेचे वो सेलिंग प्राइस हो गए और कॉस्ट प्राइस का मतलब ये कि जितना पर हम उस वो अमाउंट जिस पर हमने खरीदा था तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट इस तरह से हम प्रॉफिट को निकालेंगे और सिंपल सा यहाँ पर भी एक छोटा सा फॉर्म एग्जाम्पल लेके चलेंगे कि अगर हमने एक पेन खरीद ली मान लीजिए एक पेन हमने खरीदा उसकी प्राइस हमको बीस रुपये रही और उसकी प्राइस हमारी बीस रही जिस जिस पर हमने खरीदा था और उसको हमने सेल किया किस पे सेल किया हमने कितने पर उसको सेल कर दिया उसको हमने सेल कर दिया ट्वेंटी फाइव रुपीज पे अब हम जानना चाहेंगे इस पे कि हमारी प्रॉफिट कितनी हो रही है तो हम सिंपल सा इसी फार्मूले को बेस रख के देखेंगे कि ट्वेंटी फाइव आप ट्वेंटी फाइव में से क्या करेंगे ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हमारी जो पाँच रुपये आ रही है जो यानी फाइव यूनिट रुपीज निकल के आ रही है हमारी पाँच रुपए की क्या हो गई प्रॉफिट हो गई ठीक है इसी तरीके से लॉस अगर देखना है अगर किसी भी थिंग्स को बेचने में हमको घाटा लगा तो वो कैसे पता करेंगे वो हमारे अब सीधी सी बात है हमारे घाटा कब लगेगा घाटा तब लगेगा जितने में हमने उस वस्तु को खरीदा था उससे कम दाम में हम उस वस्तु को बेच दे रहे हैं और ये देखिए सेलिंग प्राइस का अगर निकाला है तो ये प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस फिर इसी तरीके से सेलिंग प्राइस लॉस से अगर निकालना है सेलिंग प्राइस तो यहाँ उसी फार्मूले को अल्टरनेट करके यहाँ सेलिंग प्राइस को निकाल दिया सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस फिर इसी तरीके से इसी फार्मूले से अगर मान लीजिए प्रॉफिट वाले फार्मूले से हमको प्रॉफिट वाले फार्मूले से कॉस्ट प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट कर दिया फिर इसके बाद अगर लॉस वाले फार्मूले से हमको uh, कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो लॉस प्लस सेलिंग प्राइस कर देंगे मतलब जिस तरीके से क्वेश्चंस के अनुसार हमें देखना होगा कि अगर क्वेश्चंस में लॉस का टर्म दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस का टर्म दिया हुआ है और वहाँ हमसे पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए तब हम इस फार्मूले का यूज करेंगे जो यहाँ पे दिया हुआ है तब इस फार्मूले का यूज हम करेंगे ठीक उसी तरह अगर प्रॉफिट प्रॉफिट दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है क्वेश्चंस में तब हम नंबर फार्मूले को यूज करेंगे तो हमको देखना होगा कि क्या क्या दी हुई है क्वेश्चंस में और क्या नहीं दी हुई है तो उस हिसाब से हम फॉर्मूले को लगाएंगे और मालूम होना चाहिए कि इतने इजी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आने वाले तो अब ये बेसिक फार्मूले अगर आपको लर्न है तो बेसिक फार्मूले के बेसिस पे ही टफ फार्मूलेस क्रिएट होंगे जैसे कि अब प्रॉफिट परसेंट में ये क्वेश्चन अधिकतर आते हैं कि प्रॉफिट परसेंट निकाल के बताइए लॉस परसेंट निकाल के बताइए ये फार्मूले ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाएंगे हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रॉफ़िट परसेंट का फार्मूला अगर यहाँ देखते हैं तो प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट इन टू अपॉन सीपी अब यहाँ एक चीज़ देखने वाली बात है कि हम यहाँ कॉस्ट प्राइस क्यों ले रहे हैं सेलिंग प्राइस भी लेनी चाहिए सोचने वाली बात है ना क्योंकि सेलिंग प्राइस भी है क्यों नहीं सेलिंग प्राइस को लेते हैं सेलिंग प्राइस इस वजह से नहीं लेंगे क्योंकि आपको पता है कि आप प्रॉफिट किस प्राइस पर अर्न कर रहे हो वो प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो कॉस्ट प्राइस पे ना कि सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस तो एक ऐसा प्राइस है कि आप उस कॉस्ट प्राइस के थ्रू जो अर्न किया प्रॉफिट में वो प्रॉफिट और प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस प्राइस को ऐड करके हमारी सेलिंग प्राइस बनी इज इट करेक्ट वो इस वजह से हम प्रॉफिट में जब भी प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो वो कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे क्योंकि जो हमारी प्रॉफिट हो रही है वो कॉस्ट प्राइस पर ही हो रही है ठीक इसी प्रकार लॉस परसेंटेज अगर परसेंटेज निकालेंगे तो उसमें भी हमको देखना होगा कि जो लॉस परसेंटेज हमारी निकलेगी वो भी हमारी लॉस किस पर लगी है कॉस्ट प्राइस पर लगी है तो उस पर भी हम कॉस्ट प्राइस को लेकर के ही चलेंगे ठीक अब इसी फॉर्मूले को अल्टरनेट कर करके अब सेलिंग प्राइस निकाला गया सेलिंग प्राइस इज इक, इक्वल टू जो तो उतने मतलब आपको उतनी जरूरत नहीं लगेगी इस फॉर्मूले की अब आप रटना चाहें तो इस फॉर्मूले को रट लें लेकिन अधिकतर इस वाले आ, आ, इस वाले पे से आपको यही है कि चार फॉर्मूले मेन हैं और अगले वाले स्लाइड से हम आपको दिखाएंगे कि अगले वाले स्लाइड से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको मिलने वाले हैं जो कि आपके क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपको सॉल्व करने के लिए तो यहाँ पर भी देखेंगे कि क्या है कैसे देखते हैं अब देखते हैं डिस्काउंट पहली चीज डिस्काउंट किसे कहते हैं डिस्काउंट मार्केट प्राइस जो मार्केट प्राइस या मार्क प्राइस दी हुई है उस प्राइस से सेलिंग प्राइस को माइनस कर दें तो हमारी डिस्काउंट निकल आती है पर डिस्काउंट अभी भी नहीं समझ में आया कि डिस्काउंट कहते किसे हैं डिस्काउंट का मतलब यह है कि जैसे आपने किसी मॉल में गया और मॉल में ख़रीदने अगर जाते हैं तो वहाँ पे एक पैम्पलेट लगाया हुआ दिखता है कि डिस्काउंट टेन परसेंट ट्वेंटी परसेंट इस तरह की आपको पैम्पलेट लगाई हुई दिखती है जैसे कि अगर कोई आ, कोई शर्ट हमने लेने के लिए सोचा तो उस पर लिखा हुआ है उसकी मार्केट प्राइस यानी मार्क प्राइस उसकी कितनी है उसकी मार्क प्राइस अगर सौ रुपए है अगर उस पर उसने पैम्पलेट लगा करके या बोल दिया कि इस मार्केट प्राइस पर हम दस परसेंट की डिस्काउंट यानी दस परसेंट की डिस्काउंट हम दे रहे हैं तो यानी उसके मार्केट प्राइस से हम डिस्काउंट यानी सेलिंग प्राइस उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी उसकी सेलिंग प्राइस तब हो जाएगी हंड्रेड माइनस टेन यानी नाइनटी करेंगे तो हमको निकल निक, आ, ये पता चल जाएगा कि वो उसकी एक्चुअल प्राइस क्या है अगर डिस्काउंट को माइनस करते हैं तो अब देखिए अब हमको डिस्काउंट अगर निकालना है तो डिस्काउंट निकालने के लिए अगर वो थिंग सौ रुपये में दी की थी और उसको एक्चुअल प्राइस में उसने सेल किया नाइन्टी रुपीज़ में यानी यहाँ हमारी डिस्काउंट कितनी मिली हैं? हमको दस परसेंट मिल गई सॉरी दस परसेंट नहीं दस यानी टेन हमको यहाँ पर मिल गई क्या डिस्काउंट मिल गई अब इसी तरीके से देखेंगे कि अगर डिस्काउंट परसेंटेज में निकालना होगा तो यहाँ डिस्काउंट परसेंटेज में निकालने के लिए भी फार्मूलाज हमने दिया है आपको और उस फार्मूलेज पे हम बात करते हैं कि वो डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालेंगे तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए फार्मूला क्या डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इंटू हंड्रेड यानी कि डिस्काउंट जितना भी है उसका डिस्काउंट यानी यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन इस एग्जाम्पल के थ्रू देखा जाए तो डिस्काउंट हमारी कितनी थी दस रुपीज़ और अगर दस रुपीज़ हमारी डिस्काउंट रही और मार्केट प्राइस हमने बताया कि हंड्रेड रुपीज़ थी तो यानी डिस्काउंट दस रुपीज़ हो गई और मार्केट प्राइस हमारी हंड्रेड हो गई और इन टू हंड्रेड करेंगे तो कितना परसेंट हमको डिस्काउंट मिला इस एग्जाम्पल के छोटे से एग्जाम्पल से हम देख रहे हैं अभी तो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ही तो यहाँ पे हमको देखने को मिला कि डिस्काउंट हमारी दस परसेंट की मिल गई अभी भी नहीं क्लियर हुआ तो एक और एग्जांपल हम आपको देते हैं कि कैसे करेंगे बताते हैं हम आपको डिस्काउंट परसेंटेज को तो अभी एक चीज यहां भी देखनी होगी मार्केट प्राइस पे ही क्यों लेके जा रहा है क्योंकि मार्केट प्राइस से ही हमको डिस्काउंट मिलने वाली है मार्केट प्राइस किसी भी थिंग्स की अगर मार्केट प्राइस Uh, जैसे हमने बताया अभी कि सौ रुपये अगर उस मार्केट प्राइस उस शर्ट की या जो भी चीज़ गुड्स uh, है उस गुड्स की वैल्यू सौ रुपीज़ है तो उस सौ रुपीज़ पर हमको जो डिस्काउंट मिलेगा वो सौ रुपीज़ डिस्काउंट जो देगा वो किस पर देगा मार्केट प्राइस पर हमको देगा इस वजह से उस डिस्काउंट को हम निकालेंगे किस पर मार्केट प्राइस पर निकालेंगे ठीक है तो ये भी देख लिया हमने अब चलते हैं यहीं से देखना होगा अब एक फार्मूला और निकालेंगे हम जो यहाँ पे डिस्काउंट हमने लिया है यहाँ पे जो डिस्काउंट लिया हमने इसी से हमको निकालना है क्या एक फार्मूला और हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस हमको निकालना होगा अगर मार्केट प्राइस से तो मार्केट प्राइस से मार्केट प्राइस से हम या डिस्काउंट से कह सकते हैं कि कैसे हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो ये हम देखते हैं देखिए अब सेलिंग प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ हम एक सा, सीधा सा अब लेके चलते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको जैसे मान लीजिए सेलिंग प्राइस रही सेलिंग प्राइस के इक्वल टू तो हम रखते हैं मार्केट प्राइस और इनटू हंड्रेड कोई भी चीज़ अगर होगी तो हंड्रेड में होगी और कितना डिस्काउंट मान लीजिए हमने दस परसेंट का लिया था तो उस डिस्काउंट को हंड्रेड परसेंट माइनस टेन परसेंट यानी दस परसेंट का हमने वो लिया डिस्काउंट लिया तो अब यहाँ से फार्मूला हम निकालते देखते हैं कि ये फार्मूला कैसे आया ये फार्मूला हम आपको बताते हैं तो एस पी जी इक्वल टू देखिए तो एस पी इज इक्वल टू मार्केट प्राइस और ये इंटू है यहाँ पे इंटू हंड्रेड परसेंट और ये जो दस परसेंट हमने क्या लिया ये दस परसेंट है क्या ये दस परसेंट तो डी तो ये है ये डिस्काउंट ही है तो यानी माइनस डी अब डी परसेंट यहाँ परसेंट लगाना नहीं भूलेंगे और सेलिंग प्राइस यहाँ से निकलेगा कैसे अगर हमको परसेंटेज लिखने का मन नहीं है हम चाहते हैं कि परसेंटेज ना लिखें और डायरेक्ट फ्रैक्शन में आना चाह रहे हैं तो मार्केट प्राइस इनटू हंड्रेड हंड्रेड माइनस बी हंड्रेड माइनस डी अपॉन क्या हंड्रेड करेंगे तो ये फार्मूला आपको ये जो फार्मूला है ये फार्मूला आपको यहाँ देखने को मिल रहा है ये फार्मूला लिखा हुआ है ये फार्मूला ऐसे हो गया सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस इन ये देखिए हम आपको बता क्यों रहे हैं क्योंकि इसी टर्म से अभी एक बहुत तगड़ा फार्मूला मिलने वाला है जो कि बहुत ही कम टाइम में आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करवाएगा अगर जहां पर आपको दो मिनट्स के टाइम लग रहे थे वहां पे मुश्किल से आपको उस क्वेश्चन इस फार्मूले जो अभी बनने वाले हैं आगे मुश्किल से आपको दस से बीस सेकेंड तीस सेकेंड्स में आपके आंसर्स निकाल के रख देगा तो एक से एक फार्मूला हमारा ये बना जो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस या मार्क प्राइस इन टू हंड्रेड माइनस डी अपॉन हंड्रेड तो उसी तरीके से अब देखिए अगर इसी फार्मूले से हमको निकालना है मार्केट प्राइस तो मार्केट प्राइस कैसे निकालेंगे अब इसी फार्मूले से मान लीजिए मार्केट प्राइस निकालना है तो मार्केट प्राइस को इस साइड लाइए मार्केट प्राइस इज इक्वल टू क्या ले लेंगे अब यहाँ पे एस पी एस पी अपॉन ले लेंगे हंड्रेड माइनस बी देखिए परसेंटेज अगर हटाना है तो यहां पे इन टू हंड्रेड कर देंगे क्योंकि हमने परसेंटेज दिया है तो यहां पे अपॉन में हंड्रेड लिया था जिस वजह से यहां पे हम उसी हंड्रेड को ऊपर कर दिया है और यहां पे अगर परसेंटेज में लिखेंगे तो परसेंटेज में ऐसे हो जाएगा सीधी सी बात है एसपी अपॉन हंड्रेड परसेंट माइनस डिस्काउंट परसेंटेज ऐसे लिख देंगे ऊपर हंड्रेड लिखने की तो आवश्यकता नहीं होगी ठीक है अब ये मार्केट प्राइस का फार्मूला हमने निकाल लिया तो अब देखते हैं कि यहीं से अगर मान लीजिए कॉस्ट प्राइस अगर दिया है क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस दिया है कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है क्वेश्चन में और कॉस्ट प्राइस में दिया है कि इतना इतने का सामान हमने खरीदा इतना प्रॉफिट इतना परसेंट प्रॉफिट मिला तो इस पर सेलिंग प्राइस निकालिए तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे उस फॉर्मूले के हिसाब से देखिए यहाँ जो फार्मूला लिखा हुआ है इसी को हम बताते हैं आपको सेलिंग प्राइस को जो यहाँ पे सी इंटू पी लिखा है यानी कॉस्ट सॉरी पी सी पी लिखा हुआ है सी पी इंटू हंड्रेड परसेंट अपॉन प्रॉफिट परसेंट अब इसको भी अब अगर यहाँ भी देखिए अगर परसेंटेज हटाना है तो वही बात बताया हमने अगर परसेंटेज हटाना है तो आप इसमें अपॉन हंड्रेड कर दीजिए तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिला कि सीपी अगर दिखाई देते हैं आपको कॉस्ट प्राइस इनटू अगर परसेंटेज हम नहीं चाह रहे लिखना तो प्लस प्रॉफिट कर ले और अपान में क्या कर लेंगे हंड्रेड कर लेंगे ये फार्मूला हमारा आ गया अब एक चीज देखिए कि सेलिंग प्राइस हम मार्केट अगर दी दी हुई है तब भी ठीक है सेलिंग प्राइस अगर मार्केट प्राइस दी हुई है तब भी और तब भी निकाल ले रहे हैं इस फार्मूले के हिसाब से जो यहाँ अभी आपने देखा इस फार्मूले के हिसाब से जो यहाँ पे देख रहे हैं आप मार्केट प्राइस दिया हुआ है उसको देख करके हम सेलिंग प्राइस निकाल ले रहे हैं और यहाँ देख रहे हैं कि जो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है उसको देख करके हम सेलिंग प्राइस निकाल ले रहे हैं अब देखिए ये दोनों टर्म अगर हम इसको इक्विवेलेंट में लेके चलें मतलब कि अगर दोनों को हम इक्वल करके चलें तो एक बहुत तगड़ा फार्मूला बनने वाला है जिस फार्मूले की हम बात कर रहे थे आपसे आप वो फार्मूला देखिए क्या क्या बनेगा यानी यहाँ पे हम करते हैं ये देखिए है, सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू यानी ये मान लीजिए कि ये कॉस्ट प्राइस को लेकर के चल रहा है ये कॉस्ट प्राइस वाली अभी फार्मूला आएगी फिर ये ये सेलिंग प्राइस हो गई हमारी मार्केट प्राइस वाली हो गई और ये हमारी कॉस्ट प्राइस वाली हो गई ठीक है तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू हमने जो फार्मूला लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है उसी को क्योंकि ये एस पी इज एस पी की जगह हम ये लिख सकते हैं ना कॉस्ट प्राइस ये लिख सकते हैं लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं लिख सकते हैं क्योंकि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ये दिया हुआ है जो फार्मूला उसी को हम लिख, लिख लेते हैं कि हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट प्लस प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू अब मार्केट प्राइस वाला जो फार्मूला हमने लिया है तो मार्केट प्राइस वाला जो हमने फॉर्मूला लिया है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं यानी इसको परसेंटेज में लिखें तो इसको भी परसेंटेज में लिख लेते हैं मार्केट प्राइस इन टू हंड्रेड परसेंट माइनस तो अब देखिए अब क्या करेंगे हम सी पी अपॉन एम पी कर सकते हैं सीपी अपॉन एम पी कर सकते हैं अब देखिये सीपी अपॉन एम पी करने का मतलब ये जो हमारा है हंड्रेड परसेंट माइनस डी परसेंट अपॉन या हंड्रेड परसेंट प्लस डी परसेंटेज ये हमारा एक फार्मूला बन गया इस फॉर्मूले पे क्वेश्चंस क्वेश्चन और तगड़े क्वेश्चन लगेंगे मतलब कि एकदम बारूद वाला फार्मूला ये बन गया जैसा कि आप यहां पे कुछ डाउट हो रहे होंगे कि यहां पे हमने कैसे ये चीज ऊपर कर दी और कैसे अब जैसे ही एक लेके चलते हैं एग्जांपल मान लीजिए हम लिखते हैं फाइव एक्स इज इक्वल टू थ्री वाई ये लिखते हैं तो अगर फाइव एक्स इज इक्वल टू थ्री वाई का कहने का सेंस क्या है कहने का सेंस ये है कि अगर ये उसी सापेक्ष में देख रहा है कि सी का जो है उसी तरीके से यहाँ देखें कि जो फाइव फाइव एक है ना बोलते हैं कि जो हमारे साथ है वो हमारे साथ हो के भी साथ नहीं है और जो हमारे साथ नहीं है वो ही हमारे साथ है तो वही चीज़ यहाँ देखने को मिल रही है कि फाइव एक्स तो लिखा हुआ है लेकिन जो ये फाइव है ये एक्स के साथ ना होकर के किसके साथ है वाई के साथ है यानी एक्स अपॉन वाई अगर करते हैं तो थ्री अपॉन फाइव यानी जो हमारे साथ हो के भी साथ नहीं है और जो आ, हमारे साथ नहीं है वो हमारे साथ है तो वही कहानी यहाँ देखने को मिल रही है कि फाइव एक्स इज इक्वल टू थ्री वाई यानी फाइव एक्स के साथ में तो दिया हुआ है लेकिन ये एक्स की वैल्यू ना होकर के ये वैल्यू किसकी हो गई वाई की तो ठीक इसी तरीके से वही हमने यहाँ भी किया है सी पी अपन एम पी किया तो सी पी जो है ये सी पी की वैल्यू ना होकर के ये ये वैल्यू जो है ये वैल्यू हो गई हमारी एम पी की और जो ये वैल्यू हमारी हंड्रेड माइनस डी परसेंट थी ये वैल्यू हो गई हमारी सी पी की ये चीज़ क्लियर हो गई अब अगर क्लियर हो गई होगी ये चीज समझ में आ गया होगा आपको कि ये फार्मूला जो हमने डिराइव डिराइव किया था कौन सा फार्मूला सीपी अपॉन एस पी सॉरी एसपी नहीं एमपी एम पी एम पी एमपी सी पी एम पी इज इक्वल टू क्या हंड्रेड परसेंट माइनस डी परसेंट अपॉन या हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट प्लस डी डी परसेंटेज ये फार्मूला याद रखिएगा ये फार्मूला आपको जरूरत पड़ेगी क्वेश्चंस में और ये बहुत ही काम के फार्मूलेज आपके पास हैं अब आपको जैसा दिख रहा होगा इस स्लाइड पे कि हमने ये क्या किया है ये जैसा कि अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया कि सिक्सटीन इंटू टू बाई थ्री परसेंट प्रॉफिट लॉस जो भी दिया तो उस केस में हमको ये जो परसेंटेज है हटा अगर इसको परसेंटेज को हटा दें तो हमारी फ्रैक्शन में वैल्यू आती है वन बाई सिक्स जो कि अगर इस फॉर्म में ले के चलेंगे तो क्वेश्चंस को थोड़ा सा टाइम यह है ना कि कम लगेगा और आ, आसानी से हम कर पाएंगे जैसा कि अभी अगले क्वेश्चन में हम बताएंगे आपको कि इस तरह के क्वेश्चन हैं तो हम बताएंगे कि वन बाई सिक्स कितना हेल्प करेगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में तो अभी बताते हैं आगे क्वेश्चन में ठीक उसी तरीके से देखिए एट इंटू वन बाई थ्री दिया हुआ है उसकी फ्रैक्शन में वैल्यू वन बाई ट्वेल्व होती है और फोर्टीन इंटू टू बाई सेवन दिया हुआ है तो उसकी वैल्यू हमारी वन बाई सेवन होती है फिर ट्वेल्व इंटू वन बाई टू दिया हुआ है वन बाई एट होती है अगर मान लीजिए आपको आ, नहीं लर्न रहा तो एक छोटा सा आ, काम करिएगा अगर नहीं लर्न आपको रहा तो हम बताते हैं कि कैसे निकाल सकते हैं आप थोड़ा टाइम अगर लर्न रहा तब तो बहुत अच्छी बात आपके टाइम बचेंगे और टाइम बचेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे अच्छे से छूटेंगे नहीं अगर मान लीजिए नहीं आता है नहीं नहीं लर्न हुआ आपको नहीं याद है तो क्या करेंगे उसमें देखिए ये जैसे हमने लिखा है ना सिक्सटीन इंटू टू बाई थ्री ये हमने लिखा अगर इसको फ्रैक्शन परसेंटेज में अगर इसको कन्वर्ट करते हैं तो सिक्सटीन तीजा फोर्टी एट और प्लस टू यानी फिफ्टी बाई थ्री परसेंट ये हुआ अब इसको परसेंटेज हटाना है तो इन टू क्या कर लेंगे जैसे अभी हमने यहाँ पे ये जो लिखा है परसेंटेज हटा के अपॉन डी कर दिया है तो इसी तरीके से फिफ्टी अपॉन हंड्रेड थेंट इन टू थ्री कर लेंगे तो जब यहाँ से फ्रैक् ये परसेंटेज हट जाएगा अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा फिफ्टी टू जा हंड्रेड यानी कि क्या हो गया वन बाई सिक्स यहाँ जो वैल्यू लिखी हुई है ये वैल्यू किसकी हो गई ये सिक्सटीन इंटू टू बाई थ्री जो लिखा हुआ है इसकी वैल्यू वन बाई सिक्स हो गई जो कि हमको यहाँ देखने को मिल रही है ठीक ठीक उसी तरीके से इसका भी देखना है तो देख ही लीजिए कैसे है कि एट इंटू देख लीजिए अब वन बाई थ्री क्या हो गया ट्वेंटी फाइव अपॉन थ्री ट्वेंटी फाइव अपॉन थ्री यानी हंड्रेड यहीं कर लेते हैं तो ट्वेंटी फाइव फोर जा हंड्रेड तो फोर इंटू थ्री यानि वन बाई ट्वेल्व इसी तरीके से करते जाएंगे तो ये सारा वैल्यू आपको मिलता जाएगा ठीक है तो अब अगले स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे हम आपको कुछ क्वेश्चन के रिविजन कराएंगे और उस क्वेश्चन के थ्रू देखिएगा कि कितना सॉल्व कर पा रहे हैं क्या ये फॉर्मूलेज उसमें काम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं उस तरह का हम आपको क्वेश्चन कराएँगे और उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश भी करिएगा ऐसा नहीं है कि देख के छोड़ दीजिएगा क्योंकि अगर बेसिक क्वेश्चन सॉल्व अगर कर पा रहे होंगे तभी आप टफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ पाएंगे तो ठीक है ये फार्मूलाज आप ये फार्मूलाज जितना इस पेज पे हैं इसको कोशिश करिएगा कि लर्न कर लीजिएगा और ये फार्मूला मतलब कि जो ये सीपी हमने आपको दिया ये जो फार्मूला ये फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है ठीक है चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जैसा कि आपको दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन हमारा जो कि आपके रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया है रिवीजन कैसे फार्मूलेज यूज होंगे इसमें उसमें बताते हैं हम आपको जैसे लिखा हुआ है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट रूपीज 1470 एट प्रॉफिट 16 इंटू टू बाई थ्री परसेंट जैसा कि हमने वहां बताया कि ऐसे परसेंटेज में आएंगे तो इसको पहली चीज अगर सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं तो सॉल्यूशन कैसे देखिए इसका पहले तो हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें क्योंकि परसेंटेज में दिया हुआ है तो इस चीज़ को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या बताया था वहां पे वहां पे हमने इसका निकाला था तो आपको बताया था कि वन बाई सिक्स आएगा ठीक है by अब देखिए आपने आप एक फार्मूला देखा था क्या कौन सा फार्मूला देखा था फार्मूला क्या था प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस यही था हमारा तो अब, अब यहाँ पे हंड्रेड रहता है तो हंड्रेड का मतलब क्या जब वो परसेंटेज में यहां वैल्यू थी परसेंटेज मिलानी है तो हंड्रेड कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे हमारी परसेंटेज तो इस पर हमको ध्यान नहीं देना है बस इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा जो ये दी हुई है हमारी प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस तो प्रॉफिट यानी एक और प्रॉफिट हो गई और ये जो सिक्स हमको दिख रही है ये कॉस्ट प्राइस हो गई यानी कि क्या हम कहना क्या चाह रहे हैं यानी अब देखिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है सिक्स यूनिट कॉस्ट प्राइस सिक्स यूनिट और प्रॉफिट कितनी यूनिट ये प्रॉफिट हो गई वन यूनिट अब हमको निकालना है सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस क्या है तो सेलिंग प्राइस हमने बताया था जैसा कि आपको कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट को ऐड एड करेंगे या जोड़ देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस का मतलब कि वही बात है ना कि जितने में हमने खरीदा फिर उसका जो प्रॉफिट आया ये अगर देख ले तो ये हमारी हो जाएगी क्या सेवन यूनिट सेवन यूनिट और यहाँ पे देखिए मजे की बात अब मजा आएगा क्वेश्चन देख के अब कि कैसे सॉल्व uh, कितने आसान तरीके से हो रहा है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज सोल्ड एट रुपीज यानी कि उसको बेचा गया कितने रुपीज में एक हजार चार सौ सत्तर रुपये में बेचा गया यानी उसकी क्या हो गई सेलिंग प्राइस चौदह सौ सत्तर यानी ये हो गई ये हमारी सात यूनिट की हो गई अगर हमको एक यूनिट की वैल्यू निकालनी है एक यूनिट की तो चौदह सौ सत्तर अपॉन क्या करेंगे सेवन जो कि देखने को क्या मिलेगा सेवन टू जान और सेवन वन जाक्वल वन, टू क्या टू हंड्रेड टेन ये वैल्यू आई हमारी ठीक है वन यूनिट अब यहां देखिए वन यूनिट अब हमको पूछा क्या था फाइंड द कॉस्ट प्राइस यानी ये कॉस्ट प्राइस ही तो पूछ रहा है ये कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है यानी एक यूनिट की दो सौ दो सो दस हो गई तो छह यूनिट की कितनी हो गई सिक्स इंटू टू हंड्रेड टेन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बारह सौ साठ यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर समझ में आ गए अगर कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो पूछ सकते हैं पूछ लीजिएगा कमेंट्स में और फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है देखेंगे देखिए यहां पे लिखा है कि मैन सेल्स हिज गुड पिछले क्वेश्चन की तरह है और पिछले क्वेश्चन की की तरह एकदम की तरह एकदम सेम उसी है है तो तो वैसे ही देखते हैं हम क्या देखिए प्रॉफिट फाइंड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इफ इट इज सोल्ड एट सिक्स फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड एन चलिए करते हैं इसको भी देखिए एट इंटू वन बाई थ्री परसेंट को हमने फ्रैक्शन में लिया तो फ्रैक्शन में हमने पीछे बताया था पिछले वाली स्लाइड पे आपको कि वन बाई ट्वेल्व इसी वजह से हमने बोला था कि अगर लर्न किए रहेंगे तो आपको क्वेश्चंस लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर नहीं लर्न किए रहेंगे तो आप वही करेंगे जो हमने बताया कि एट थ्री या ट्वेंटी फोर प्लस वन यानी ट्वेंटी फाइव बाई थ्री अगर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो वही करेंगे अब इतना देखिए सॉल्व करना पड़ रहा है आपको अगर आपको लर्न रहेगी तो सीधा जैसे मैंने यहाँ वैल्यू पुट किया था वैसे ही पुट करके आगे बढ़ जाएंगे देखिए वैल्यू आ रही है कितना वन अपॉइंट ट्वेल्व यही वैल्यू मिली हमको अब देखिए ये जो वन है हमारा क्या है प्रॉफिट और ये जो वैल्यू हमारी क्या है ये हमारी सी में आएगी ठीक है अब देखिए सी हमारी कितनी हो गई ट्वेल्व यूनिट सी पी यूनिट हो गई सी पी यूनिट और प्रॉफ़िट कितनी हो गई प्रॉफिट वन यूनिट हो गई ठीक है वन यूनिट और क्या है कि ये हमारा सेलिंग प्राइस भी देखना है सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा ये ट्वेल्व प्लस वन यानी थर्टीन यूनिट हो जाएगी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हमने क्या ये कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है ठीक है तो अब देखिए थर्टीन यूनिट की हमको निकालनी थर्टीन यूनिट का तो वैल्यू दिया हुआ है कितना पैंसठ हज़ार पैंसठ हज़ार सात सौ अस्सी दिया हुआ है यानी कि एक एक यूनिट की हमको निकालनी होगी तो वन यूनिट वन यूनिट इज इक्वल टू सिक्सटी फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड एट्टीस अपॉन थर्टीन यानी कि अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो फाइव थाउजेंड फाइव थाउजेंड सिक्सटी यही वैल्यू आनी चाहिए यही वैल्यू आएगी फिर देखिए अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पूछा हुआ है तो कॉस्ट प्राइस यानी एक यूनिट के वैल्यू हमारी कितनी हो गई फाइव थाउजेंड सिक्सटी तो ट्वेल्व यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए यानी ट्वेल्व इन कितना फाइव थाउजेंड सिक्सटी यानी हमारी वैल्यू कैलकुलेट होकर के आ जाएगी कितना ये आ जाएगी सिक्सटी थाउजेंड सेवन हंड्रेड ट्वेंटी यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ठीक है तो देखिए मुश्किल से अगर मैं तो आपको बता रहा हूँ तो बताने में मुश्किल से एक एक डेढ़ मिनट का टाइम लग रहा होगा लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आते रहेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस में होंगे तो मुश्किल से हमको नहीं लगता कि बीस सेकेंड से ज़्यादा इस क्वेश्चन में लगने वाले हैं तो ये फ्रैक्शन की वैल्यू जो हमने बताई परसेंटेज ये लर्न होनी चाहिए क्योंकि ये टाइम कंज्यूम भी करेगा थोड़ा टाइम तो थो लगेगा तो इस वजह से आपको बेहतर होगा कि जो मैंने स्लाइड पे आपको दिया था उस को लर्न कर जाए यानी रट लीजिएगा पूरी तरह से फिर ये क्वेश्चन लग चुके तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह का होगा देखिए शॉप को सेल्स इंटू टू बाई थ्री प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस फाइंड इट्स एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज तो अब यहां पे देखिए सिक्सटीन इंटू टू बाई थ्री परसेंट को लेके चलते हैं तो इसका फ्रैक्शन देखेंगे कितना होगा इसका फ्रैक्शन आ गया वन बाई सिक्स वन बाई सिक्स आया अब यहाँ सेलिंग प्राइस की बात किया है यहाँ सेलिंग प्राइस की बात किया है यहाँ रखिएगा यहाँ पे सेलिंग प्राइस की बात किया है तो यानी ये हमारी जो वैल्यू होगी ये क्या होगी सिक्स सेलिंग प्राइस होगी और जो प्रॉफिट होगी वो वन होगी और जो कॉस्ट प्राइस होगी कॉस्ट प्राइस क्या होगी कॉस्ट प्राइस होगी सिक्स माइनस वन यानी फाइव होगी क्यों होगी क्योंकि हमने यहाँ पे बताया आपको कि ये शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल इतना प्रॉफिट पे बेच रहा है सेलिंग प्राइस की आंसर सेलिंग प्राइस यहाँ लिखा हुआ है ठीक है हम सेलिंग प्राइज पे बात की हुई लेकिन पिछले क्वेश्चन में आपने यहाँ पे देखा होगा कुछ और ही था अगर कंपेरिजन करते हैं तो यहाँ पे लिख रहा है फाइंड इट्स एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज तो अब हमने फार्मूला प्रॉफिट परसेंटेज का क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था कि प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इन टू हंड्रेड दीदी से वैल्यू पुट करिए क्या प्रॉफिट वन कॉस्ट प्राइस क्या है कॉस्ट प्राइस हमारी ये वाइव है फाइव इंटू यानी कि हमारी कॉस्ट प्राइस यानी प्रॉफिट परसेंटेज जो हमारी थी प्रॉफिट परसेंटेज हमारी 20 परसेंट की प्रॉफिट परसेंटेज आएगी यानी ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि अब इसमें लिखा हुआ है कि अमैन सेल्स इज गुड्स एट ट्वेंटी फाइव परसेंट लॉस ऑन सेलिंग प्राइस यानी कि यहाँ पे अब देखने को आपको क्या मिल रहा है ट्वेंटी फाइव परसेंट अब यहाँ पे कोई फ्रैक्शन नहीं है लेकिन हमको फिर भी हटाना होगा क्या ट्वेंटी फाइव परसेंट यानी परसेंटेज को हटाने के लिए हम क्या लिख सकते हैं इसको वन बाई फोर्थ लिख सकते हैं तो अब देखिए वन क्या है ये हो गया अब लेकिन यहाँ प्रॉफिट नहीं है ध्यान रखिएगा लॉस लिखा हुआ है तो वन क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा लॉस ये हमारी वैल्यू लॉस की आई है ना कि प्रॉफिट क्योंकि यहाँ पे दिया है लॉस यानी ये लॉस की वैल्यू हो गई अब ये जो वैल्यू हमारी निकल के आई है ये हमारी किस यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है सेलिंग प्राइस ये सेलिंग प्राइस यानी ये एस पी हमारी हो गई तो अब देखिए एस पी इज इक्वल टू फोर और लॉस इज इक्वल टू वन हाँ तो हम बात कर रहे थे कि ये जो लॉस हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था तो यानी वन यूनिट हमारी लॉस हुई है और ये सेलिंग प्राइस की यानी सेलिंग प्राइस पे बात कर करें ना कि कॉस्ट प्राइस तो यहाँ सेलिंग प्राइस हमारी फोर हो गई अब देखिए सेलिंग प्राइस अगर फोर है तो कॉस्ट प्राइस को निकालने के लिए हम क्या करेंगे कॉस्ट प्राइस यहाँ पर कॉस्ट प्राइस हो जाएगी फोर प्लस वन क्यों कॉस्ट प्राइस में फोर प्लस वन करें क्योंकि जो थिंग्स हमने जो गुड्स हमने बेची है वो गुड्स हमने लॉस पर बेची है ना कि प्रॉफिट में बेची है तो पिछले जैसे क्वेश्चंस में हमने देखा था कि माइनस हमने किया था क्योंकि वो प्रॉफिट में थी और यहाँ पर क्या है कि कॉस्ट प्राइस हमने जो कॉस्ट प्राइस हमारा जो आ रहा है वो लॉस में आ रहा है तो यानी इसकी क्या हो गई फाइव हो जाएगी अब क्या है ये पूछ रहा है लॉस परसेंटेज निकालिए तो लॉस परसेंटेज का हमने फार्मूला बताया था क्या लॉस परसेंटेज का हमने फार्मूला बताया था लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100 ये था अब लॉस हमारा वन परसेंट है फाइव है और इन टू हंड्रेड करते हैं तो यानी ये जाएगा कितना ट्वेंटी ट्वेंटी परसेंट हमारी लॉस हुई ये वैल्यू आ गई यानी ऑप्शन नंबर वन यहाँ भी करेक्ट ठीक है अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अब यहां देखेंगे कि अमैन सेल्स इज गुड्स एट 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 इंटू वन बाई थ्री परसेंट प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस फाइंड एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज तो यहाँ भी एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज निकालने की बात कर रहा है तो एट यहाँ भी देखिए एट इंटू वन बाई थ्री को हम क्या लिख सकते हैं वन बाई ट्वेल्व फ्रैक्शन में लेके आएंगे ये परसेंटेज है हमारी तो अब वन क्या हो गया वन प्रॉफिट ट्वेल्व क्या हो जाएगा ट्वेल्व हमारी सेलिंग प्राइस क्योंकि यहाँ सेलिंग प्राइस ही दी हुई है सेलिंग प्राइस अब हमको निकालना क्या है कॉस्ट प्राइस पे कॉस्ट uh, प्राइस निकाल के प्रॉफिट निकालनी है तो सेलिंग प्राइस ट्वेल्व हो गई और प्रॉफिट हो गई वन और कॉस्ट प्राइस हो गई क्या ट्वेल्व माइनस वन यानी इलेवन तो अब निकाल लेते हैं प्रॉफिट परसेंटेज क्या है प्रॉफिट परसेंटेज पी अपॉन सी पी हंड्रेड और पी हमारा वन है और ये इलेवन इंटू हंड्रेड इलेवन नाइन जैन नाइन और वन अपॉन इलेवन परसेंट ये हमारी प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगी यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन आप देख रहे होंगे कि हर क्वेश्चन में मैं फार्मूला लिखते जा रहा हूँ क्योंकि ये फार्मूला इस वजह से लिख रहा हूँ ये फार्मूला के बेसिस पे भी क्वेश्चंस थे और आपको ये याद दिला रहा है ये फार्मूला कि ये फार्मूला कितना इंपॉर्टेंस है क्वेश्चन हर क्वेश्चंस में अगर बेस बेसिक्स यही फार्मूला है जिसके बेसिस पे हम अगले स्टेप में बढ़ पा रहे हैं तो ये फार्मूला आपको लर्न होनी चाहिए तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया अब एक क्वेश्चन लास्ट वन ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए जा रहे हैं जो कि ये दो के बी एच यू बी कॉम एंट्रेंस के क्वेश्चन हैं इसको आप ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए और अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कर लेते हैं तो इसका मतलब समझिएगा कि आप प्रॉफिट एंड लॉस से आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तैयार हो चुके हैं अगर नहीं अगर ये क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं तो फिर अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो इस क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा और फिर मैच करिएगा कि क्या गलती है क्या सही है आप एनालाइज़ खुद कर लीजिएगा तब तक के लिए थैंक यू And goodbye.